हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। अगर गाइस यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे गाइस लिखा रहता है कनेक्शन नॉट अवेलेबल, काइंडली चेक योर कनेक्टिविटी एंड ट्राई अगेन। तो इस तरीके से आपको जो है जियो टीवी एप्लीकेशन पर देखने को मिलता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस बेसिकली होता क्या है, ये जो प्रॉब्लम रहता है वो आपके फ़ोन पर तभी आपको आता है जब गाइस अगर आपके मोबाइल का डेटा अगर बंद रहता है या तो फिर अगर आपके फ़ोन पर नेटवर्क वगैरह का इशू रहता है तब आपको ये प्रॉब्लम आती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फ़ोन पर सारी चीज़ें सही रहती है, इंटरनेट भी सही रहता है और आपको इस तरीके से जियो टीवी के एप्लीकेशन पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाना है और जो जियो टीवी का एप्लीकेशन है उसको आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। इस तरीके से अपडेट का ऑप्शन आएगा, आप अपडेट कर लीजिए। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को मैनेज एप्लीकेशन पे जाना है और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को इस तरीके से सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को जियो टीवी इस तरीके से लिख लेना है। जैसे ही गाइस यहाँ पे आप लोग जो है जियो टीवी लिखेंगे तो आपके फ़ोन पर जो जियो टीवी का एप्लीकेशन है वो आएगा, तो आप उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से जो है रेस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप लोग जो है क्लिक करिए और यहाँ पे आपको वाईफाई एंड मोबाइल डेटा का ऑप्शन आएगा, दोनों को आप इस तरीके से इनेबल कर लीजिए। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को ओके पे क्लिक करना है। तो बस आपको इतना ही करना है ताकि ये जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन पर सही से रन कर पाए। तो आपको ये सेटिंग कर लेना है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी।